क्या आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे रही है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते रिटेलर्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं बिजनेस फॉर रिटेलर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई ऐसी स्कीम्स बनाती है जिससे महिलाओं और अलग अलग वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचे। इन सभी स्कीम्स को बनाने का एक ही मोटिव होता है कि कैसे लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। ऐसी एक योजना का नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। इस योजना को खास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SC शेड्यूल कास्ट, ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाओं के लिए बनाया है, जिसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए ले सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई। इस योजना को 7 साल हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं लगभग 1,80,630 खातों में 40,700 करोड़ से अधिक राशि दी जा चुकी है। एक चीज आपको पहले ही समझनी होगी, इस लोन से मिलने वाला अमाउंट आप अपने पर्सनल यूज में नहीं ले सकते हैं। ये पूरा अमाउंट आपके बिजनेस के यूज के लिए होता है। ये लोन अमाउंट आपको आपके अकाउंट में नहीं मिलता, बल्कि बैंक की तरफ से रुपे कार्ड में दिया जाता है। इस कार्ड के थ्रू आप लोन अमाउंट को यूज कर सकते हैं। इस लोन को आप 7 साल के अंदर चुका सकते हैं और लोन लेने के लिए आपको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो अब जान लेते हैं इस लोन के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया। सबसे पहले आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, आपको SC ST या फिर महिला उद्यमी होना चाहिए। तीसरा, आपकी कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी भी बैंक से लोन अप्लाई कर रहे हैं या फिर कर रही हैं, तो किसी भी बैंक से आपको डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कभी आपने लोन लिया है और उसका पे बैक नहीं किया है, तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। ID प्रूफ के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद बिजनेस प्रूफ एड्रेस। तो ये थे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट, लेकिन बैंक अपने अकॉर्डिंग दूसरे डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है। तो आइए जान लेते हैं कैसे आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इजी सा प्रोसेस है, सिंपल सा, आपको गूगल पर टाइप करना है www.standupindia.mitra पर। जैसे ही आप सर्च करते हैं, कई सारे रिजल्ट आ जाते हैं। पहले वाले रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे standupindia.mitra का होम पेज आ गया। अब आप नीचे करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड की ओर अप्लाई हेयर लिखा है। अप्लाई पर क्लिक करने पर एक पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको आपका नाम, जो आधार कार्ड पर है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर जनरेट OTP कर देना है। उसके बाद OTP डालकर कंफर्म कर देंगे, तो बस आपके नज़दीकी बैंक से आपको कोई बैंक ऑफिशियल कॉल कर लेगा और फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको रुपे कार्ड मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बिजनेस फॉर रिटेलर्स को जरूर सब्सक्राइब करें।